ये लेजेंडर है, चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही है गाइस। ये बहुत क्रेजी मशीन है भाई, आराम से निकल रही है गड्ढों में। तो ये देख रहे हो भयंकर, एक दो ऑलमोस्ट तीन, मेरा तो अभी हो रहा है धक 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 धक। एंड गाइस फॉर्च्यूनर में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। अगर आप इसे आराम से पीछे से खोल लो ना, तो ऑलमोस्ट एक सुपर बाइक इधर और एक सुपर बाइक इधर। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना फॉर्च्यूनर या फिर हाइलक्स। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। घर में ये ब्लॉग की शुरुआत है। आपको पता है गाइस, हमारे एक बंदे की आवाज तो आनी आनी है, जुलू द डॉन ऑफ दिस घर। जुलू इधर इधर, डर क्यों रहे मैं, इधर इधर। ये आप मुझे एक चीज बता जुलू, ये तेरी मम्मी है कि मेरी मम्मी भी है? है जुलू, है जुलू, मम्मी चुंदरती बीबी, आ जाओ मेरी बात तो सुनो जुलू। ये आप आपके आप पहले पैदा हुए थे, मैं पहले पैदा हुआ था, ये बताओ। और इस पे तो खुशबू भी आ रही है मम्मी, हमारी जुलू ने नहीं नहीं करी, मीबी दी मी चुंदर भी दी नहीं भी कर दिया। खुशबू क्या रही मम्मी से? हां कैसे आ रही खुशबू? वो डाल का भाई इसका स्प्रे भाई। गाइस हमारे घर में ना जितना ध्यान हमारे बच्चों का रखा जाता है ना, उतना तो हमारा भी नहीं रखा गया, बिकॉज ये लोग ना बहुत अच्छा मजाक कर रहा, हमारा रखा गया रखा गया। फिलहाल गाइस आज का ये ब्लॉग ना घर में शुरू हो रहा है। एंड द थिंग इज, आज आप मेरे को तो तैयार देख ही रहे, आज आप मेरी मम्मी को भी तैयार देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ मम्मी तैयार क्यों है। मम्मी आपको आपका कुछ भी एक्सपेक्टेशन है, आप तैयार क्यों? पता नहीं तूने बोला तैयार हो जाए, मैं तैयार होगी। आज ना मैंने मम्मी को बोला कि आप तैयार हो जाओ, बिकॉज मम्मी के लिए ना एक सरप्राइज है गाइस। लोगों को भी नहीं बताया था गाइस मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में कि क्या सरप्राइज है। आज का जो सरप्राइज होने वाला है वो बहुत भयंकर होने वाला है, मम्मी श्योरली गोना लव इट। तैयार हो चुके हैं मम्मी। अच्छा गेस करो, दो चीजों में से गेस करो क्या हो सकता है सरप्राइज। आज के सरप्राइज में ना जो आपने सबसे बड़ा सपना देखा था ना जिंदगी का, वो कंप्लीट होगा। दो में से एक, मतलब दो सरप्राइज है, पहला एक एक तो घर का देखा हुआ। हाँ। दूसरा कौन सा है? दूसरा मैंने कौन सा देखा था बताओ? दूसरा तो कोई भी नहीं देखा अभी गाइस। दूसरा वाला सपना मैं पूरा कर दूंगा, पहला वाला गैस मम्मी का सही है। आज मम्मी को लेके जा रहा हूँ गाइस घर दिखाने के लिए। सो रेडी हो ना? देखो मैंने पहले में ही सही हो गया ना, रेडी हो अपना नया घर देखने के लिए। एक्चुअली गाइस हम लोग घर फाइनल करेंगे तो हम लोग मम्मी के एंड से फाइनल करेंगे, बिकॉज मम्मी नहीं गृह प्रवेश करवाने एंड मम्मी नहीं रहने। बोलते ना कलम की एक लाइन थी कि एक घर को ना एक मकान एक औरत ही बनाती है। सो मम्मी के डिसीजन के बिना ना इस घर में कुछ भी नहीं होता। पापा भी कितनी बड़ी तोप हो, बट एट लास्ट मम्मी के एंड से ही सब कुछ निकलता है। एंड दूसरे सरप्राइज के लिए गाइस मुझे बहुत बड़ी गालियां पड़ने वाली है, बिकॉज दूसरा सरप्राइज ये है कि आपको पता है ना हम लोग फॉर्च्यूनर ले रहे थे। ले ली? नहीं लेनी थी, देखने जाना पहले एक बार, देखने तो कोई पहले एक बार देखने के पैसे नहीं रखे। हाँ, पहले एक बार देखने जाएंगे, बिकॉज मैंने भी फोन करके पता करा था मेरे को ना एक्चुअली मम्मी देखने, बिकॉज जीटी भी आपको पता है नीचे, कल ना मैं उसे लेकर के गया वो नीचे लगी, उसकी लाइटें टूट गई, थार में खुलती नहीं चीजें। अब शौक थे पूरे कर लिए ऑनेस्टली, बट अब लाइफ में यू नो बहुत सारी चीजें मच्योर बनने की तरफ जा रही है, तो यू नो मैं भी लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग कि अभी थोड़ी मच्योर चीजें खरीदी जाए, ऐसी चीजें खरीदी जाए जो मेरे यूज के लिए भी हो, है ना। ऐसी चीजें खरीद करके कुछ फायदा नहीं है जिनमें कोई यूज नहीं है मेरा। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि अभी मतलब थोड़ा सा मच्योर बनते हैं जिंदगी में, अब बनना पड़ेगा। लॉन्डो वाली जिंदगी चल रही है, चल रही है, चल रही है, बट अब थोड़ा सा एक लाइक यू हैव टू बी अ मैन ऑफ द फैमिली। सो आने वाले कुछ महीनों में आपको इतने बड़े बड़े चेंजेस दिखने के मिलेंगे गाइस चैनल पर। फिलहाल मैं आप लोगों को अभी का सीन बता दूं गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं दो जगह। सबसे पहले हम लोग देखने जाएंगे गाइस फॉर्च्यूनर, उसके बाद हम लोग देखने जाएंगे घर। सो रेडियो नए घर देखने के लिए, और अगर पसंद आया गाइस अब भी फाइनल कर देंगे। चेकबुक लेकर के जा रहा हूँ साथ में, और एक बोरी में पैसे भर के लेकर के जा रहा हूँ। वो दिखाते नहीं एक मूवी में वो लेने जाते हैं, बोलते कितने रुपए के गा रहे हैं, वो बोरी में पैसे भर के लेकर के आते हैं और वहीं उड़ेल करके बोलते हैं दे दो यार प्लीज। मतलब हम लोग कहता 3 BHK देख रहे हैं राइट, एक आपका हो जाएगा, एक मेरा हो जाएगा और एक कलम का स्टूडियो हो जाएगा। ये वाला घर तुम्हारा रहेगा रहेगा, बट नया वाला घर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो, जीटी स्टार्ट करते हैं फिर निकलते हैं घर देखने के लिए। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी जीटी में। कल जीटी का पूरा काम हो गया था, बट जीटी के साथ एक दिक्कत और हो गई थी। इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस भाई, गर्मियों में तो गाइस गाड़ी के अंदर बैठना ऐसा बहुत गर्मी हो रही है। बट कल का मैं आपको सीन बता देता हूँ। कल क्या हुआ, जीटी ना एक जगह स्पीड ब्रेकर में लेके आ रहा था घर पे और नीचे लगी, और इसकी जो लाइट है ना राइट वाली वो टूट चुकी है गाइस, वो जल नहीं रही है। जीटी के साथ ना बहुत दिक्कत है, इसीलिए एक ऐसी कार बहुत जरूरी है गाइस जिसपे ना मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकूँ। यू नो गाइस फैमिली बड़ी हो ही रही है कुछ टाइम में, आई नो बहुत से लोग एक्साइटेड, बट थोड़े टाइम में फैमिली बड़ी होने वाली है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आर मैंडेटरी टू बी गोइंग। फिलहाल अभी मोड़ते हैं गाइस, मम्मी को बिठाते हैं, लेट्स गो। बहुत माइनर, बहुत माइनर।
गाइस आज जीटी में महारानी बैठ रही है हमारे घर की। हाथ कर। जय महारानी। गाइस मेरी माँ आजकल मेरे लिए रोज चीकू लेकर के आ रही है। चेक दिस आउट। थैंक यू सो मच। अभी नहीं खाऊंगा, बचा के रखूंगा। गाइस मम्मी ना मेरे लिए रोज चीकू, घर वाले चीकू। मैं ये पक, आपको पके हुए कैसे मिल रहे हैं? मेरे को तो कच्चे मिल रहे हैं। वाह ये तो मस्त है। बाय बाय चुनू, तेरी मम्मी को लेकर के जा रहा हूँ। बाय। तो यार ऐसे ना बहुत कम मौके होते हैं मेरे पास जब मैं ना मम्मी को लेकर के आऊँ गाइस और पापा ना मेरे साथ, बिकॉज उस टाइम ना मैं भगा सकता हूँ और मम्मी का रिएक्शन नोट करवा सकता हूँ। रेडी है मम्मी? फुल पावर। इसको डालते हैं एस मोड में। मैं बताता हूँ, इसका ना एक एस प्लस मोड आता है। देखो एस प्लस मोड तो अब लग चुकी है एस प्लस मोड में। अब जो ये स्पीड और आवाज छोड़ेगी ना वो बहुत क्रेजी है। लेट्स गो मम्मी, लेट्स गो। स्पीड देखेंगे। रुई लग के आऊंगी। रूल से नहीं, रुई से नहीं मम्मी, यहाँ कुदकुदी होगी भी देखना। और यहाँ पे आग बंद, कान से सुनाई नहीं देगा, आग से दिखेगी। अभी देखो मम्मी, अब आपको बहुत खतरनाक फील होने वाला है। बस मेरे को एक पैच मिल जाएगा गाइस, मैं इसे लगा दूंगा 140 का राउंड। मेरा तो अभी हो रहा है धक 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 धक। सो करे मैं जूरी कौन लाई। दिवाली मन चुकी हम लोगों की। मैं ज्यादा तेज नहीं लेके गया मम्मी को, बिकॉज मम्मी को पोते दिखाने का गाइस, अपने पोते पोतियां। तो आई रियली डोंट वांट कि कुछ हो मम्मी को। फिलहाल हम लोग ऑलमोस्ट 100 चल रहे गाइस, पता ही नहीं लगता। पता तुझे यही है, सारे पोते पोते तक तो रहेगी मम्मी। नहीं उनके भी पोतों पाती तक रहना मम्मी। हम फिलहाल गाइस हम लोग ना लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। एंड द थिंग इज मुझे ना भव्या को कॉल कर लेना चाहिए, बिकॉज भव्या ने शोरूम में बात करी थी। सो मैं भव्या को कॉल करके पूछता हूँ कि भाई शोरूम कहाँ पर है। एंड बस अभी लोकेशन ले लेते हैं गाइस, बिकॉज शोरूम में ऑलरेडी फोन कर लिया था मैंने कि शोरूम बंद मत करना, बाबू भैया और उनकी मम्मी आ रही है फॉर्च्यूनर देखने के लिए। बट फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत भयंकर है गाइस, मैं आज उसे ना सामने से देखूंगा 2023। लेट्स गो। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम। एंड मैंने भी भव्या को कॉल करके पूछा, मैंने कहा ये फॉर्च्यूनर टोयोटा वालों की है ना भाई, हमें फिर से घूम के आना पड़ेगा। हम उधर से घूम करके इस साइड आए गाइस, और अभी हमें फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इस साइड जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है। Yep, guys, हम लोग पहुंच चुके हैं। So, हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे गाइस शोरूम, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है गाइस फॉर्च्यूनर को सामने से देखने के लिए। ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, एंड उधर नॉर्मल फॉर्च्यूनर खड़ी है, एंड इधर हाईलेक्स भी खड़ी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज कमिंग हियर मैं सोच रहा था कि यू नो फॉर्च्यूनर अवेलेबल होगी लाइक कुछ दिनों की डिलीवरी के लिए, बिकॉज द थिंग इज गाइस फॉर्च्यूनर की ना बहुत जरूरत है। यू नो ना जीटी में काम चल रहा है ना थार में काम चल रहा है। हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं वहाँ पर बाउंसर सिक्योरिटी बैठ ही नहीं पाती ना उतर पाती है। सो मेरा सबसे पहला ऑप्शन गाइस ये लेजेंडर है। चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही है। यहाँ आगे से भी सेक्सी है गाइस और पीछे से भी सेक्सी है। बेसिकली फॉर्च्यूनर का ये लेजेंडर है। यहाँ ऑन रोड पड़ रही है कुछ अराउंड लाइक 56 की, विच इज़ लाइक ओके बहुत सही प्राइस में मिल रही है। बट इसका लुक बहुत मस्त लग रहा है। हेयर इज मम्मी, कैसी लग रही है मम्मी गाड़ी है बताओ? मस्त लग रही है। एक एक है हाईलेक्स भी खड़ी है। क्या गाइस 4x4 ट्रक है, पीछे ना आराम से दोनों सुपर बाइक्स भी लोड हो जाएंगे। मैं आपको चेक करा था, मैं हाईलेक्स ना सामने से देख रहा हूँ। ये चेक करो इसके पीछे कितना स्पेस है भाई। इसके पीछे आराम से अगर हम लोग H2 भी लोड करना चाहें और S1000 भी या BMW या एको कुछ भी लोड करना चाहें आराम से लोड हो जाएगी। ये भी एक बेटर ऑप्शन है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड देन द लास्ट वी हैव गॉट दी फॉर्च्यूनर, जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर आती है। ये गाइस नॉर्मल फॉर्च्यूनर। द रीजन व्हाई आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टोयोटा इज बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है। ये चेक करो गाइस, ये गियर वाला ग्राउंड क्लियरेंस इज अल्टीमेट। हाईलेक्स का भी इतना है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर का भी इतना है, एंड नॉर्मल फॉर्च्यूनर का भी इतना है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब ट्रैवल में या फिर कहीं पर भी जाना होगा ना तो बहुत इजी काम चल सकता है। प्लस मैंने आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर का स्पेस दिखा देता हूँ, आज उधर से बैठ के दिखाते हैं। ये चेक करो गाइस इसके अंदर का स्पेस भाई, एंड ये ऑटोमेटिक है गाइस। क्या स्पेस तो कमी है इसमें, है ना? ठीक ठीक है, सही लग रही है। मेरी माँ ने पहली बारी किसी गाड़ी को देखते हुए बोला है सही लग रही है। सही, मेरे को तो ट्रक पसंद आ रहा है हाईलेक्स। लग वो भी अच्छा रहा, मैं ये नहीं बोल रही है ना, पर जिस हिसाब से तेरे वो भी है ना बॉडीगार्ड वगैरह सब आ जाओगे इसमें, वो और उसके अंदर भी तो आ जाएंगे। अंदर कहाँ से आएगा इसमें, पीछे चार दोनों चारों सीट खुलते हैं। बोट डोर है गाइस, मुझे तो लग रहा था वो सिंगल डोर है, वो तो बोट डोर है।
इसमें ऑप्शन ये है कि इस पे बेस्ट ये कि 7 सीटर पीछे तक लोग बैठ सकते हैं, बट पीछे वाले लोगों के लिए फिर आगे वाली सीट खोलनी पड़ेगी। पीछे वाले बॉडी गार्ड कैसे उतरूंगा, डिग्गी में से उतरेंगे वो लोग? हाँ, ये सबसे बड़ा कंसर्न तो मेरे को ना एक्चुअली इवेंट्स का है। एंड गाइज, फॉर्च्यूनर में मैं पहली बार ही बैठा हूँ, मैंने आज तक किसी की फॉर्च्यूनर में नहीं बैठा। और ये चेक करो गाइज, इसका कॉन्सोल भी सेक्सी लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, मस्त। ये ऑटोमेटिक है गाइस, ऑटोमेटिक गाड़ी। इसकी डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, मस्त यार फॉर्च्यूनर। बट मेरा दिल तो अब हाईलेक्स में आ गया, बिकॉज हाईलेक्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा गाइस कि हम लोग बाइक्स पीछे मस्त लोड कर लेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। हां, वो तो लंबी है, बहुत लंबी है वो। हाईलेक्स दिख रहा है मस्त। अंदर तो कुछ नहीं आने का, पहले दो बार कोई। And the thing is guys, Fortuner की ना भी टेस्ट राइड नहीं मिल रही है, बिकॉज मैंने पूछा भाई, मैंने कहा टेस्ट राइड नहीं मिल रही, बोल रहे मतलब यू नो आपस में जो आपके दोस्त होते हैं उन लोगों के पास रहते हैं, सबने चला ही रखी होगी। मैंने कहा भाई मेरा सुपर, किसके मैसेज आ रहे हैं इतने? मैंने कहा मेरा थोड़ा सुपर सेगमेंट है, मैं पहली बार ही बैठ रहा हूँ। बट सही गाड़ी लगी, क्या बोलते हो? टेस्ट राइड, लेट्स गो गाइस। हम लोग हाईलेक्स के टेस्ट राइड के लिए जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं एक हाईलेक्स की टेस्ट राइड ले रहा हूँ। सो चेक करते हैं कितनी पावर और क्या सीन है। गाइस चेक दिस आउट, बाहु भैया खड़े अभी पीछे हाईलेक्स के। एंड स्पेस चेक करो यार, मस्त है। मैंने एक्चुअली ना लाइक पूछा कि कितना बिल्ट हो सकता है और कितना पीछे तक जा सकता है। सो चेक दिस आउट, अगर आप इसे आराम से पीछे से खोल लो ना, तो ऑलमोस्ट एक सुपर बाइक इधर और एक सुपर बाइक इधर। हमारी 470 मतलब हाफ लाइक 500 kgs तक के आराम से झेल सकता है। मतलब दो सुपर बाइक्स नहीं आ सकती, फिर एक ही सुपर बाइक्स रहेगी, बिकॉज दो ढाई सौ kg की बाइक्स हैं और बाकी सारा लगेज। सही है मम्मा, ये हाईलेक्स सही है, लग भी सिक्स है ना, पापा के लिए भी, पापा को तो इस चीज़ बहुत पसंद आती है। गाइस अभी इसकी टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं, अगर इसकी टेस्ट राइड लगी बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, फॉर्च्यूनर या फिर हाईलेक्स, और फिर दोनों में से कोई एक। बट मेरी पहली प्रेफरेंस तो अब हाईलेक्स होगी, बिकॉज इसके पीछे बाइक आराम से लोड हो सकती है यार। गाइस हम लोग जस्ट बेसमेंट में पहुंचे थे, और चेक दिस आउट, वी हैव गॉट हाईलेक्स हियर। भाई साहब ये पीछे से ना कवर्ड है, लुक हाउ लॉन्ग इट इज, ये देख रहे हो भयंकर, एक दो ऑलमोस्ट तीन, और पीछे से भी ये भयंकर लग रही है। अच्छा फिलहाल गाइज अभी हम भैया के साथ बैठ रहे हैं, बिकॉज भैया ना बाहर तक निकालेंगे, हाईवे टेस्ट राइड हम लोगों को हाईवे पे मिलेगी। एंड यार दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन हाईलेक्स, बट बाहर ले जा रहे ऐसे ऑफ रोड करके भी देखेंगे कि भाई कैसी परफॉर्म करती है। एंड अच्छी परफॉर्म करी तो फिर फाइनल।